हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं आपका भाई दोस्त और मैं अपने पहले वीडियो के साथ आप लोगों के साथ उपस्थित है। चलिए आज हम लोग चलेंगे किसी देहात में और देहात में चल करके खेतों का भ्रमण करेंगे। खेतों का स्थिति कैसा है, क्या है, खेत में इस बार क्या लगा हुआ है, उसका हम लोग भ्रमण करेंगे, देखेंगे। मौसम हल्का हल्का धूप निकला हुआ है, अभी शायद बारिश जैसा भी मौसम किया हुआ है। तो हम लोग निकल पड़े हैं गांव की ओर, देहात की ओर। वही गांव जिसमें पूरा भारत बसता है, हिंदुस्तान बसता है, इंडिया बसता है। हम लोग आ गए गांव में और ये देखिए, अभी गांव में धान का खेत जो दिख रहा है आपको, अभी धान का सीजन भी चल रहा है। कितना अच्छा लग रहा है धान का खेत पास से देखने में। आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा, उम्मीद ऐसा करते हैं हम। बीच में छोटे छोटे पौधे, पेड़, दृश्य मनमोहक लग रहा है। इस पर गांव का जो ये खेत है, धान का खेत जो है, बारिश के वजह से थोड़ा सा अच्छा ग्रोथ शायद नहीं कर रहा है। मुझे जितना खेतों के बारे में ज्ञान है उसके अनुभव के अनुसार, क्योंकि उतना बारिश हो नहीं रहा है इस बार धान के लिए। मौसम तो किया है बारिश जैसा, आवाज़ भी आप लोग शायद सुन रहे होंगे गरजने का, बारिश का, लेकिन उतना बारिश नहीं हो पा रहा है। क्योंकि मुझे जहाँ तक जानकारी है, धान के लिए बहुत ज़्यादा पानी चाहिए होता है। ये पेड़ जो देख रहे हैं आप, कितना अच्छा लग रहा है कैमरे में, आप लोगों को भी अच्छा लग रहा होगा। ये मेरा पहला वीडियो है दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और इस पर अपना कुछ टिप्पणी भी देंगे, कमेंट करेंगे, सलाह सुझाव जो भी है आप दे सकते हैं। खेतों को कहा गया है कि धरती माता, धरती है जिससे हम लोग को अन्न मिलता है और इससे जो अन्न निकालते हैं उन्हें अन्नदाता कहते हैं, जो किसान है। और किसान का स्थिति इस बार बारिश न होने के वजह से नाजुक है। उन लोगों का ये पूरे साल की कमाई होता है, इतने लगन से इसमें बोते हैं। और ये हम लोग पास से ले रहे हैं धान के खेत का तस्वीर, वीडियो। सोचे कि चलते हैं आप लोगों को गांव दिखाते हैं कैसा है धान का खेत इस बार, बारिश नहीं हुआ है तो। बारिश का मौसम भी किया है और ये क्या देखने को मिल रहा है हम लोगों को दोस्तों, धान के खेत में बंदर। देखे कितना अच्छा लग रहा है, बेचारा भटक करके कहीं से आ गया है। ये अन्नदाता का खेत है, इसमें कोई भी आ सकता है, अन्नदाता हमारे किसान, देश के किसान, देश के भविष्य, देश को भोजन देने वाले भगवान एक तरह से कह सकते हैं इनको। ये पास से हम लोग ले रहे हैं जो बंदर का फोटो आप लोगों को दिख रहा होगा। तो मित्रों, अब हम लोग इस वीडियो को, पहला वीडियो को यहीं पे ख़त्म करेंगे। आप लोगों के साथ देहात में धान का खेत घूम करके बहुत अच्छा लगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को पूरा देखने के लिए। तो दोस्तों, मेरे वीडियो को आप लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो डालें आप लोगों को मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों पूरा वीडियो देखने के लिए।